शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने चाय की चौपाल लगाई हुई है। ये चाय की चौपाल आज गढ़चिरौली जिले में है और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत वगैरह, ये जिला महासचिव है बीजेपी के। इसके अलावा डॉक्टर प्रकाश खटी, ये भी जिला महासचिव है बीजेपी के। इसके अलावा भास्कर भूरे, ओबीसी आघाड़ी के महासचिव है। ये तीनों वक्ता हमारे साथ यहाँ पे चाय की चौपाल पे उपस्थित है। इनकी जो सरकार है, बीजेपी सरकार जो शासन में है अभी, इन सरकार के द्वारा इस गढ़चिरौली जिले को, जिसे बहुत मागा स्वर्गीय कहा जाता है, नक्सलाइट कहा जाता है, जैसे कि अगर हम देखें तो लोगों के दिमाग में कंसेप्ट तो ये होती है कि गढ़चिरौली जिला बोला गया तो नक्सलाइट है, वहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ एजुकेशन का अभाव था, उसके बाद यहाँ पे किसानों की प्रॉब्लम्स थी, उद्योगों का यहाँ पे कुछ भी सोर्स नहीं था। तो यहाँ पे जब से बीजेपी सरकार आई है, इन 4 सालों में बीजेपी सरकार ने गढ़चिरौली जिले के लिए, अपने लोगों के लिए क्या किया, ये आज हम जानते हैं प्रशांत वगारे जो जिला महासचिव है यहाँ के, उनसे। नमस्ते, आपको सभी को शुभकामनाएं। यहाँ गढ़चिरौली जिला पिछड़ा जिला करके कहा जाता है और यहाँ पर इस बार पहली बार जो है कि जैसे हमारे मोदी साहब जो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, उस माध्यम से यहाँ जिले में जनता ने 2014 में पूरा विश्वास दिखाया है, पूरा कांग्रेस मुक्त भारत यानी गढ़चिरौली जिला हो गया है। ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है। वो होने के बाद में पर लोगों ने हमको जिस अपेक्षा से वोट दिए थे, उस अपेक्षा में हम पूरी तरह से उतर गए थे। यहाँ पहले थी समस्या, रेलवे लाइन की समस्या थी। यहाँ किसान वर्ग जो है, वो किसान वर्ग खेती के लिए करता है पर निसर्ग के आधार पर जो होता है पानी, उस आधार पर करता था। इसलिए सिंचन सुविधा का भी एक बड़ा प्रश्न था वहाँ। जब सत्ता में, जब हमने 2014 में बैठने के बाद में हमने लोगों को बताया कि हम आपको सिंचन की सुविधा उपलब्ध करा देंगे, उस बात में भी हमने 100% हम सही उतर गए। उसके बाद यहाँ रोजगार की समस्या थी, एक नक्सल मूवमेंट का बड़ी तकलीफ यहाँ है, बेरोजगारी की बड़ी तादाद पर थी और उस वजह से यहाँ के जो युवा वर्ग थे, वो युवा वर्ग अलग गलत मार्ग से यूज़ करते थे। उसके लिए फिर हमने रोजगार उपलब्ध करा देने के लिए यहाँ लोह प्रकल्प के माध्यम से, सुरजागढ़ लोह प्रकल्प है जिस माध्यम से यहाँ स्थानिक युवाओं को रोजगार मिले, ये भी प्रयास में हमने 100% उतर गए। यहाँ जो बड़ा एटापल्ली में हमारा जिला जो है, वो जिला बड़ा निसर्ग पर आधार यानी उसमें खनिज संपत्ति बड़ी अच्छी तादाद में है, जाना खजाना भी है। उसके लिए वहाँ या एटापल्ली में सुरजागढ़ करके बड़ा प्रकल्प है यानी बनाया, लोहा जो है कि जमीन में लोहा निकलता है, पत्थर जो निकलते हैं उसमें लोहा का प्रमाण अच्छा है, तो उसके लिए हमने वहाँ लोह प्रकल्प बनाया। स्टील प्लांट के लिए बात कर रहे हैं, उस माध्यम से गढ़चिरौली जिले के युवाओं को बड़ा तादाद में रोजगार मिल रहा है और उसके लिए कोनसरी में हमने जगह भी हस्तांतरित की। अगर ये लोह प्रकल्प के बारे में अगर अपन पीछे जाते हैं, 2014 के पीछे में चलते हैं, तो इसके लिए 20 साल से कांग्रेस की सत्ता थी, राष्ट्रवादी की सत्ता थी, वो बोलते थे पर करते नहीं थे। 2014 में हम सत्ता पे बैठने के बाद पहला हमने, हमारी बड़ी उपलब्धि है कि 2014 में बैठने के बाद में हमने वो उसका जो प्रश्न था वो निकाल दें। भूमि पूजन हो चुका है, काम भी हो गए और उस माध्यम से युवाओं को यहाँ आर्थिक स्तर जो है लड़कों बच्चों का यानी किसानों का बढ़ चुका है। और उसके लिए जो कुछ ट्रक जो है, हमने हमारे यहाँ MLA थे डॉक्टर देवराव होली और नेता साहब, इन दोनों ने एक कंसेप्ट यहाँ किया। जैसे हमारे देश के पंत प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि
मेक इन इंडिया। तो हमने यहाँ पर मेक इन गढ़चिरौली ये कंसेप्ट हमने किया। उस कंसेप्ट के माध्यम से युवाओं को हमने, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय नितिन जी गडकरी यहाँ आए थे, वो तारीख थी अभी पिछले महीने आए थे। उस वक्त हमने युवाओं को, 20 युवाओं को 100% सब्सिडी पर ट्रक दिए, 100% सब्सिडी पर। तो ये बड़ी उपलब्धि है हमारी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। ये बात आपने अच्छा सवाल पूछा है, ये बात सही है कि एजुकेशन से ही प्रगति का पहली जो सीढ़ी की जो रहती अपना चढ़ते हैं, तो एजुकेशन के माध्यम से चढ़ते। एक तो यहाँ पर आर्थिक उन्नति लोगों की नहीं हुई, यहाँ प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए उसके पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं होता। एक साल की फ़ी 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख रुपए पालक, सामान्य पालक भर नहीं सकता। तो इसकी वजह से फिर नेते साहब हमारे, जो अभी हमारे प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, उनके मन में पहले से दो सोचते थे कि जब तक हमारे यहाँ का एजुकेशनल कुछ अच्छा उसको मिलता नहीं है, कोई नेशनल लेवल का एजुकेशन जब तक मिलता नहीं, तब तक यहाँ का जो बच्चों को में जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल पता कैसे चलेगा। इसलिए हमारे खासदार साहब ने पहली बात की, वो केंद्रीय विद्यालय, ये ख्वाब देखते थे हम, ये केंद्रीय विद्यालय बनेगा, ये कभी यहाँ जिले में किसी लोगों ने सोचा भी नहीं था। ये साकार हुआ, वो भी माननीय नेते साहब के माध्यम से हुआ है। ये बड़ी उपलब्धि नेते साहब की है। आकांक्षित जिला बोले तो पिछड़ा जिला, मागा से जिला, जिसमें रोजगार की समस्या है, सिंचन की समस्या है, उसके बाद तो ये जिला, जैसे गढ़चिरौली जिला को आकांक्षित जिला इसलिए ठहराया गया है कि ये पिछड़ा हुआ जिला है, नक्सल मूवमेंट में यहाँ बड़ा ये है, हादसे होते होते हैं, इसलिए यहाँ आने के लिए कोई ब्यूरोक्रेसी कर्मचारी भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होता, कोई पनिशमेंट पर आप यहाँ भेजा जाता है, पर ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। नक्सलाइट जिला है, सब बात सही है, पर उसके बाद में भी यहाँ आने के लिए लोग तैयार नहीं होते, और उस वजह से अधिकारी वर्ग यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होता, उस वजह से इसको कुछ, इस जिले में कुछ सुविधा करके देना चाहिए। इसलिए माननीय पंत प्रधान मोदी साहब ने, जैसे हमारे नेते साहब ने उनके ये बात सभी हमारे जिले की समस्या है उनको बोली बताई, उन्होंने फिर ये मान्य किया, और उन्होंने आकांक्षी जिला करके एक स्पेशल फंड, इसका जब तक उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, स्पेशल फंडिंग होगा, स्पेशल फंडिंग होगा। और ये भी बड़ी उपलब्धि है कि वो माननीय मोदी साहब ने ये मंजूर किया है, और उसमें वो मंजूर कराने में सही मायने देखा जाए तो हमारे MP साहब जो है, खासदार साहब, नेते साहब का बड़ा योगदान यहाँ है। इसके अलावा सर, यहाँ 15,000 करोड़ की नीति नेशनल हाईवे के लिए सैंक्शन हुई। हाँ, तो ये जो नेशनल हाईवे के लिए जो नीति सैंक्शन हुई, हाँ, यहाँ पर 15,000 करोड़ के नेशनल मार्ग माननीय नितिन जी गडकरी ने, यहाँ बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और नितिन जी को तो देख सभी, यानी विकास पुरुष कहा जाता है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, यानी उनके ऊपर, यानी सबसे देश में से सबसे अच्छा होनहार मंत्री कहा उनको कहा जाता है। तो उसके वजह से नितिन जी आए थे, चुनाव के वक्त आए थे, चुनाव वक्त के वक्त में उन्होंने 2014 में उन्होंने बोला था कि आप हमारे को सत्ता दो, हम आपको करके दिखाएंगे, उन्होंने शब्द दिया था उस वक्त में। उन चुनाव के बाद में 6 महीने के बाद उन्हें यहाँ आए, हमारे नेशनल हाईवेज, ये भी हमारे लोगों के ख्वाब थे कि नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहाँ सत्ता कांग्रेस की थी, राष्ट्रवादी की सत्ता थी यहाँ, हम पहले सोचते थे कि नहीं बन सकता है, क्योंकि 10-15-20 साल तक हमने सत्ता देखी है कांग्रेस की, ये मागास तो मागास ही है, पिछड़ा तो पिछड़ा ही है। इसीलिए फिर हमारे नितिन जी गडकरी आए, उनको हमारे खासदार साहब, नेते साहब उनको लेके आए, और 12,500 करोड़ रुपए के जिले में विकास के काम मंजूर किए। अभी जो आपके सामने जो दिख रहा है, अभी आप तो आए हैं, ये सब उस माध्यम से है। नेशनल हाईवे में से अपन देखते हैं तो वड़सा गढ़चिरौली, नागपुर
वड़सा, नागपुर, ब्रह्मपुरी और गढ़चिरौली से लेके चंद्रपुर और गढ़चिरौली से लेके राजनांदगांव, यहाँ से छत्तीसगढ़ बाउंड्री यानी राजनांदगांव रायपुर तक ये नेशनल हाईवे मंजूर हुए हैं। गढ़चिरौली चौक से वहाँ सामने चलते हैं तो वहाँ तक सिरोंचा तक वहाँ 200 किलोमीटर का नेशनल हाईवे मंजूर किया है और उनके काम अभी आपको दिख ही रहे हैं। आप जिस नागपुर से आए होगी तो आपको पता चला होगा ये सब हमारे सरकार ने जो बोले वो किए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है महासचिव है, ये भी जिला के बीजेपी के महासचिव है डॉक्टर भारत खट्टी, इनसे आगे के सवाल करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। खट्टी सर, हमें ये जानना था कि यहाँ पे जो 4000 करोड़ के बैरेज सिंचन की सुविधा दी गई है, ये बैरेज सिंचन है ना किसानों की सुविधा के लिए होगी, है ना, तो फिर इससे बैरेज सिंचन से आपको क्या फायदा हुआ है ये किसानों को? आपके यहाँ दो बार खासदार अशोक नेते पहले दो बार आमदार रह चुके हैं, उन्होंने गढ़चू जिले में पूरा स्टडी किया कि यहाँ की समस्या क्या है, वो समस्या गढ़चू जिले की समस्या का उन्होंने अभ्यास किया। तो इसमें दो तीन बातें ऐसी है, जैसी पानी की समस्या, खेती के लिए पानी की समस्या सब बहुत बड़ी है, दूसरी जमीन के पट्टे और तीसरा है रेलवे लाइन। इस पर अभ्यास करके ये तीन समस्या पूरा निपटाने का उन्होंने तय किया, आमदार थे तब उन्होंने यहाँ एक अभ्यास ग्रुप लेके विजयवाड़ा जो आंध्र में है वहाँ जाके जो बंधारे है वहाँ जाके अभ्यास किया और विजयवाड़ा पैटर्न का बंधारा जैसा है वैसा अपने वैनगंगा नदी पे जो 200 किलोमीटर गढ़चिरौली जिले से बहती है लेकिन उस पर बंधारे होने चाहिए, बंधारे हो गए तो अभी जो बाकी के प्रकल्प है सिंचन प्रकल्प उसके लिए जमीन लगती है और जमीन की समस्या है या फॉरेस्ट 80% फॉरेस्ट है तो जमीन मिलती नहीं तो ये समस्या से परे होके भी ये समस्या निपटाना पड़ेगा। तो नदी के ऊपर ही बंधारे बनाए जाए तो पानी भी रुक के रहेगा और वो बंधारे से पुल भी बनेगा, पानी उपलब्ध होने से सिंचाई होगी, पानी उपलब्ध होने से अनेक और बिजनेस जैसा मच्छी पालन है और एखादा पावर स्टेशन बना सकते हैं बिजली उत्पादन का, ऐसे अनेक समस्या। तो वो विजयवाड़ा पैटर्न के तरफ से पहला बंधारा उन्होंने चिजडोह का बनाया वो 650 करोड़ रुपए का और 5 बंधारे मंजूर किए 4000 कोटि के, बाकी के और छोटे छोटे सिंचन प्रकल्प उन्होंने मंजूर किए हैं उन्होंने किए हो। और कोटगल का जो है बैरेज ये गढ़चिरौली को लग के है वो भी अभी मंजूरी मिल गई है, उसका काम चालू किया है और चिजडोह पूरा हो गया है। वहाँ 10 किलोमीटर पानी, 1 किलोमीटर का उसका पात्र है, 10 किलोमीटर पानी रुक के है और वो हाँ पानी पे डिपेंड नहीं है, नैसर्गिक पानी पे डिपेंड नहीं है, नैसर्गिक पानी पे डिपेंड नहीं, लेकिन वो जो भाग है 10 किलोमीटर चंद्रपुर जिले में और 10 किलोमीटर गढ़चिरौली जिले में दोनों को भी फायदा हो रहा है जी। आज के तारीख में अभी पानी रुक के है, अभी आज मार्च महीना चालू है, मार्च महीना चालू होने के बाद भी वहाँ पानी है, ये खुशनसीबी है। इसके अलावा सर मुझे जानना था जैसे गढ़चिरौली जिले में पहले सिर्फ ग्राम पंचायत हुआ करती थी, है ना, मैंने सुना है जहाँ तक, और अब ऐसा है कि यहाँ पे इसे नगर पंचायत का दर्जा मिला हुआ है, तो ये नगर पंचायत का दर्जा जब ग्राम पंचायत को मिला आपकी तो आपको इससे क्या बेनिफिट मिला, कुछ सुविधाएं मिली या फिर कुछ फंड में कुछ आपकी बढ़ोतरी हुई या फिर लोगों के विचार बदले इस टाइप? क्योंकि यहाँ पे मैं जानती हूँ 3 नगर परिषद है और 3 नगर परिषद और 9 नगर पंचायत, हाँ, तो इसका क्या बेनिफिट रहा है यहाँ के लोगों को? जैसी देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट चुन के आई उन्होंने पहले ग्राम पंचायत का कंसेप्ट था, तालुका प्लेस बना दिए लेकिन तालुका प्लेस को भी ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत को फंड कितना मिलता है और नगर परिषद को कितना मिलता है तो दोनों में फर्क है, नगर परिषद को ज़्यादा फंड मिलता है जहाँ महानगर पालिका को और ज़्यादा मिलता है। तो उन्होंने ये जो तालुका प्लेस है तो तालुका प्लेस होने के बाद वहाँ तहसील कार्यालय है लेकिन ग्राम पंचायत है तो वहाँ उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ निधि पहुँचना चाहिए। तो भाजपा सरकार या देवेंद्र फडणवीस की सरकार आने के बाद में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में ये नगर पंचायत करके जो तालुका प्लेस है जैसे गढ़चिरौली जिले में 12 तालुके हैं तो 12 तालुके में के 2 नगर परिषद थी पहले वड़सा और गढ़चिरौली और 10 नगर पंचायत बना दिए उन्होंने, लेकिन अभी आरमोरी में आरमोरी की लोकसंख्या ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने नगर परिषद की मांगनी की, अभी चुनाव हुआ अपना नगर परिषद वहाँ भी बैठ गया तो अभी 3 नगर परिषद और 9 नगर पंचायत। तो नगर पंचायत होने की वजह से निधि बढ़ गया,
निधि बढ़ गया नगर पर, हर नगर पंचायत को अशोक नेते साहब के माध्यम से अभी जैसे बन गए तब से, पहले तो 5-5 कोटी आए, पहले उन्होंने कोटी देखा नहीं था, लाखों में पैसा आता था सिर्फ, कोटी देखा नहीं था, 5 कोटी। और हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार अर्थमंत्री और हमारे जिले पे प्रेम करने वाले हैं, तो उन्होंने हर नगर पंचायत को यहाँ 5-5 कोटी दिए, नगर परिषद गढ़चिरौली को 100 कोटी दिए। विकास निधि आया, निधि आया तो विकास है, निधि नहीं था करके विकास नहीं था। अभी हमारे गवर्नमेंट में जितना पैसा आया और विकास किया वो अभी तक नहीं हुआ। सर एक और आखिरी क्वेश्चन ये मुझे आपसे पूछना था, ये जो लोकसभा का जो क्षेत्र है इसमें 3 जिलों का समावेश है, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, तो इसमें इस विकास कार्य के माध्यम से अगर हम देखते हैं, जैसे आपने अभी विकास के बारे में बताया, तो हमें क्या फायदा हो सकता है आने वाले चुनाव में? देखो गढ़चिरौली जिले, गढ़चिरौली लोकसभा क्षेत्र में, चिमूर गढ़चिरौली लोकसभा क्षेत्र 12 ऐसा नाम है उसका, इसमें चंद्रपुर जिले में 2 विधानसभा है, ब्रह्मपुरी और चिमूर, गोंदिया जिले में 1 विधानसभा है आमगांव देवरी, और गढ़चिरौली जिले में जो कि हरमोरी विधानसभा, गढ़चिरौली विधानसभा, अहेरी विधानसभा, इसमें आदिवासी बहुल आमगांव विधानसभा है, आदिवासी आरक्षण है आमदार के लिए भी, लोकसभा के लिए भी तो ST आरक्षण है, आरमोरी के लिए भी ST आरक्षण है, गढ़चिरौली की भी ST आरक्षण है, अहेरी के लिए भी है, और जो दो विधानसभा है ब्रह्मपुरी और चिमूर वहाँ आरक्षण नहीं है जी। लेकिन ये बेल्ट है पूरा जी। इसका 650 किलोमीटर का एरिया है जी। आदिवासी बहुल है लेकिन यहाँ OBC की भी संख्या बहुत है, OBC की संख्या आदिवासी के बराबरी में ही है, लेकिन आदिवासी बाकी के पूरे क्षेत्र में से, महाराष्ट्र के पूरे क्षेत्र में से आदिवासी की संख्या यहाँ ज़्यादा है, इसलिए आदिवासी बहुल। तो इसके माध्यम से, आदिवासी बहुल होने के माध्यम से यहाँ निधि खींच के लाने में जी। जो केंद्र का निधि जो रहता है, जो केंद्र का निधि खींच के लाने में आदिवासी जिले के लिए जो इजी होता है, तो वो कंसेप्ट है यहाँ करके, यहाँ निधि ज़्यादा से ज़्यादा लाने का खासदार अशोक नेते का प्रयास था अभी 5 साल में, और उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया है और लोगों के सामने है जी। यानी आपको ऐसा लगता है कि ये इतना काम जो आपने किया है इससे आपकी पार्टी ज़्यादा प्रभुत्व साबित करेगी यहाँ पर? यहाँ 100% अशोक जी नेते चुन के आएंगे और लोगों के मन में भी है कि अशोक नेते ही होना और इसलिए अशोक नेते की विजय ये सुनिश्चित है। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ चर्चा की, ये BJP प्रशासन के लोग हैं यहाँ पे, उनकी सत्ता है, और अभी यहाँ पे अशोक सर यहाँ के लोकसभा के चुनाव के उम्मीदवार हैं, और इनका कहना ऐसा है कि हमने यहाँ पे जितनी भी ये सुविधाएं या फिर यहाँ पे जितनी भी क्या कह सकते हैं, उद्योग, शिक्षण व्यवस्था, इस तरह की जो चीज़ें यहाँ पे इन लोगों ने मुहैया करवाई है, इसके साथ अगर हम देखते हैं तो इनका ये आश्वासन नहीं दे रहे हैं, ये प्रभुत्व साबित कर रहे हैं कि यहाँ BJP सरकार ही आएगी। इसके अलावा इनका कहना ऐसा है कि यहाँ पे जो विकास हुआ है ये आम जनता को लेकर हुआ है, आम जनताओं की दुविधाओं के हिसाब से हुआ है, ताकि उन्हें हम सुविधा दे सकें, उनको हम फैसिलिटीज़ दे सकें, और उन फैसिलिटीज़ में वो उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकें। इसके बाद हम चाय की चौपाल में कहीं और आपसे मिलते हैं। यहाँ की चाय की चौपाल हम यहीं खत्म करते हुए, हमारे जो माननीय अतिथि है यहाँ पे, ये अतिथि है प्रशांत वाघरे सर और डॉक्टर खड़ी सर, इनसे हम इजाज़त चाहते हैं। तो आगे की चाय की चौपाल के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए MNS News Live। धन्यवाद।